नमस्कार सभी को और वेलकम आप सभी को इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं और पहली क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, डिस्कशन हमारा रहा था अर्थक्वेक और वोल्केनो को लेकर। अर्थक्वेक और वोल्केनो हम लोग डिस्कस किए थे और शुरुआती दो वीडियो में कुछ समस्या थी साउंड को लेकर, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी को लेकर और शायद ठीक है, तो वो साउंड वो जो समस्या उसको हमने रिजोल्व कर लिया है। तो अब जी जो वीडियो रहेगी इसमें आपका साउंड बिल्कुल क्लियर आपको स्पष्ट सुनाई देगा। तो आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और टॉपिक से हमारा कौन सा रॉक्स यानी कि चट्टान। तो चट्टानों की हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए समझते हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती है, कौन कौन रॉक्स हमारी इस अर्थ पर पाई जाती हैं। देखिए मुख्य रूप से अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारी इस अर्थ पर तीन तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, देखिए इग्नियस रॉक, क्या बोलेंगे इसको, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान इसको हम हिंदी में बोल देंगे, इग्नियस या आग्नेय। एक रॉक ये हो गई। दूसरी चट्टान की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरी चट्टान को हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अवसादी चट्टान, ठीक है। और तीसरी रॉक की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिक, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं कायांतरित या रूपांतरित, ठीक है। तो यानी कि हमारी इस अर्थ पर तीन टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोल दिया हमारी सबसे पहली चट्टान कौन सी हो गई भाई, इग्नियस रॉक हो गई। फिर हमको दिखाई दी कौन, सेडिमेंट्री। और तीनों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एसएससी जेई में मैं कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपके देखा हूं तो यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। अब ये देखिए ये जो इग्नियस रॉक है इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है आग्नेय, ठीक, हिंदी वाले शब्द पर ध्यान देंगे, आग्नेय शब्द लिखा हुआ है और इस आग्नेय शब्द में कहीं ना कहीं आग शब्द आ रहा है ना। और आग का मतलब क्या होता है, कोई गर्म चीज़ और क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो इग्नियस रॉक है जिसको मैंने आग्नेय चट्टान बोला, ये किसी गर्म चीज़ से क्या होता होगा, इनका फॉर्मेशन इनका निर्माण होता होगा। तो क्या भाई कैसे होता है जरा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वोल्केनो पढ़ा था ज्वालामुखी, तो आपको पता था जब किसी भी रीजन में कोई भी क्या होता है विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ से क्या बाहर आता है, एक मेन जो होता है कंपोनेंट वो कौन सा है, लावा। और लावा जब बाहर आता है, अगर इस लावा की मैं आपसे बात करूं तो ये जो लावा है कैसा लावा आता है भाई, देखिए गर्म लावा बाहर आता है। और देखिए जब ये गर्म लावा बाहर आता है और बाहर आने के बाद ये लावा क्या होगा, जब क्या होगा हमारी अर्थ की क्या आएगा, सरफेस पे आएगा। तो सरफेस पे आने क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ठंडा होना स्टार्ट होगा। और देखिए जब ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, कौन, यही गर्म लावा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और जब ठंडा होता होगा तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। और देखिए जब ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होने के बाद ही इसको क्या बोल देते हैं, चट्टान बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं, उन चट्टानों का निर्माण कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, गर्म लावा के क्या है, धीरे धीरे क्या हो गए, ठंडा होकर जमने से क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स बन गई, ठीक है। देखिए इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब जब इग्नियस रॉक्स किससे बनती है, गर्म लावा से बनती है, वो ठंडा हो जाता है। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं जरा इनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बातें कर लेते हैं, कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली विशेषता की अगर मैं आपसे बात करूं इन रॉक्स के बारे में, तो सबसे पहली ये विशेषता है, ये चट्टानें होती हैं कैसी होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, यानी कि रबेदार होती हैं। कैसी होती हैं, रबेदार होती चट्टानें, क्योंकि ये जो चीज होती है लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ठंडा होने से क्या होता है, इसमें कुछ क्रिस्टल कुछ गांठ बन जाती है, कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसे किस फॉर्म में पाई जाती है, रबेदार फॉर्म में होती है। दूसरी अगर बात करें, क्या ये चट्टानें, क्या इन चट्टानों में अगर प्रश्न आ जाए लेयर्स पाई जाती हैं, देखिए इन चट्टानों में लेयर्स नहीं पाई जाती, इन चट्टानों में क्या होती हैं, परतें नहीं होती हैं। और तीसरी मैं आपसे बात करना चाहूं, क्या इन चट्टानों में फॉसिल,
जीवाश्म पाया जाता है क्या भाई? तो देखिए इन चट्टानों के तो जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। जिन चट्टानों का जिन रॉक्स का फॉर्मेशन ही किससे हुआ है, गर्म लावा से हुआ है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसमें कोई जीवाश्म या कोई फॉसिल बच पाए। तो यानी कि इन चट्टानों की केवल एक विशेषता की मैंने बात किया, क्या क्वालिटीज की बात की, ये किस फॉर्म में होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, रबेदार होती हैं। चलिए जरा इनके एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं कि भाई कौन सी होती चट्टानें। देखो जरा पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग किस पर रहते हैं, स्थल मंडल पे हम लोग रहते हैं, लिथोस्फीयर पे। तो ये क्या है हमारा लिथोस्फीयर, और इसके नीचे क्या होता है एस्थेनोस्फीयर, ये बात हम लोग कर चुके हैं। मान लीजिए इसी लिथोस्फीयर को ये के ऊपर क्या है, ये कोई ज्वालामुखी पर्वत है, और आपको मैं बता चुका हूँ जो ज्वालामुखी पर्वत में लावा का सोर्स क्या होता है, यही एस्थेनोस्फीयर होता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, ये क्या है लावा है। क्या है ये, देखिए जब तक ये अंदर है तो क्या है ये मैग्मा है, क्या है ये मैग्मा है, यही सोर्स होता है। दूसरी बात, अब देखिए इस रीजन से लावा बाहर आएगा इस पाइप के माध्यम से, हम पढ़ चुके हैं, और इस हॉल के माध्यम से, और जब इस वोल्केनिक माउंटेन से ये लावा बाहर आएगा, ऐसी स्थिति बन गई। देखिए जब ये लावा बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद क्या होगा, ये लावा हमारे इस अर्थ की सरफेस पे क्या होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एक स्थिति तो ये बन गई, अर्थ की सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, और मान लीजिए इसी वोल्केनिक माउंटेन में कहीं से क्या जाए दरार पड़ जाए, कहीं फॉल्ट पड़ जाए, और फॉल्ट पड़ने के बाद जो लावा है वो क्या होना स्टार्ट हो जाए, इस लिथोस्फीयर में अंदर ही अंदर क्या हो जाए, निकलना स्टार्ट हो जाए, रिसना शुरू हो जाए, इकट्ठा होता रहे। देखिए एक लावा सरफेस के ऊपर है और एक लावा क्या सरफेस के अंदर है, तो जो बाहर वाला लावा होगा ये जल्दी ठंडा होगा, क्या होगा ये जल्दी ठंडा होगा, और इसको ठंडा होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। चूंकि जल्दी ठंडा हो रहा है तो इससे क्या होता है, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो काफी छोटे बनते हैं, ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो यहाँ पर जो क्रिस्टल होते हैं काफी बड़े बनते हैं। देखिए जो लावा बाहर ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद तो आपको पता है सॉलिड होता है, और सॉलिड होने के बाद क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। तो इग्नियस रॉक्स की अगर मैं बात कर लूं तो जो लावा यहां ठंडा हुआ, इस लावा को हम लोग बोल देंगे, इससे जो चट्टान बनेगी इसी चट्टान को क्या बोलेंगे, वेसाल्ट। क्या बोल देंगे, वेसाल्ट। तो वेसाल्ट एक कैसी चट्टान है, एक इग्नियस रॉक है। कैसी रॉक है, एक इग्नियस रॉक है। और ये जो लावा जो अंदर सॉलिड क्या हुआ है, सॉलिड हुआ है, इसी को हम लोग बोल देंगे ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। तो हम आप लोग अपने घरों में जो काला पत्थर यूज करते हैं उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। तो जब आप उस काले पत्थर को देखेंगे तो बोलेंगे क्या है, वो एक इग्नियस रॉक है, और किससे बनी है, गर्म लावा के धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होने के बाद सॉलिड हुआ होगा, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहा, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे सामने, रॉक किस कौन सी, इग्नियस चट्टान के दो हमारे सामने एग्जाम्पल आ चुके हैं। देखिए ये जो आपको छोटी सी मैं एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं यहीं पे, देखिए ये जो बेसाल्ट चट्टान होती है, बेसाल्ट भी क्या है, एक रॉक है। किसका एग्जांपल मैंने दिया है आपको, इग्नियस रॉक है। देखिए इसी बेसाल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, जब बच्चे क्या होता है कई बार इसी बेसाल्ट का इरोजन हो जाता है, इसी का अपरदन हो जाता है, और इसी का इरोजन होने से क्या होता है, काली मिट्टी बनती है, क्या बनती है, ब्लैक सोइल बन जाती है। किसी से बनती है, इसी का इरोजन होने से ब्लैक सोइल बनती है। और आपको पता होगा जो ब्लैक सोइल है, मैं यहीं पे एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं, जो ब्लैक सोइल होती है किसके लिए, किसकी खेती के लिए फेमस होती है, यहाँ पर कॉटन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कपास के प्रोडक्शन के लिए जो ब्लैक सोइल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और यहीं पर फिर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो देखिए अभी हम लोग सोइल पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहाँ देख लेंगे सोइल्स को ज़्यादा विस्तार में, डिटेल में जाने के बाद। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो इग्नियस रॉक्स हैं कैसी होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। दूसरे इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, आपसे एग्जाम पे प्रश्न आया कि इनमें से कौन है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल दीजिए, तो ग्रेनाइट भी क्या है और बेसाल्ट भी क्या है, इग्नियस रॉक है। ये इंट्रूसिव है, अंतरजात यानी कि अंदर बनी, ये क्या है एक्सोजीनस है, ये क्या है बहिर्जात, यानी कि क्या बनी, ये बाहर बनी हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर बनी। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही क्या हो गई, एक इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए। चलिए आते हैं सेडिमेंट्री की तरफ। देखिए सेडिमेंट्री नाम पर सब पे ध्यान, मैंने हिंदी में इसको लिखा है अवसादी। अब देखिए अवसाद का मतलब सेडिमेंट, जो अपने घर का कचरा आप डस्टबिन में डालते हो वो भी क्या है, हमारे घर का क्या है, सेडिमेंट है। तो यानी कि इन चट्टानों का निर्माण भी किससे हुआ, सेडिमेंट से हुआ होगा, यानी कि अवसादों से हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखिए दो बातें समझो, मैंने अभी आपको एक बात समझाई, मैंने बोला ये जो चट्टान है, मैंने किसके बारे में बोला, मैंने बोला इग्नियस चट्टान की क्वालिटी बताई, ये किस फॉर्म में होती है, रवेदार होती है। कैसी होती है, क्रिस्टलाइन। देखिए जब ये रबेदार होती है, क्रिस्टल इनमें होते हैं, तो इन क्रिस्टल्स के बीच में क्या होता है, एयर फंसी हुई होती है, एयर फंस जाती है, और काफी समय के बाद ये जो क्रिस्टल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल ब्रेक यानी कि टूट जाते हैं।
अब देखिए जब ये क्रिस्टल टूट जाएंगे तो टूटने के बाद क्या है, सेडिमेंट है, क्या है ये, अवसाद ही है क्रिस्टल, ठीक है। और जब ये क्रिस्टल टूट जाते हैं तो टूटने के बाद क्या होता है, दरअसल ये क्रिस्टल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, और पड़े रहने के बाद क्या होता है, इन क्रिस्टल्स का फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, इनका भौतिक अपक्षण। देखिए वेदरिंग का मैं तो समझा रहा हूं, मान लो छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, कभी समझेंगे डिटेल में वेदरिंग होता क्या है। मान लीजिए कोई माउंटेन है ना, और इस माउंटेन से क्या हुआ, चट्टान टूटी, टूटने के बाद टुकड़ा नीचे आके हमारी अर्थ की सरफेस पे गिर गया। अब ये जो टुकड़ा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसको हवा लगेगी है ना, एयर लगेगी, इसको धूप लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, इसको पानी लगेगा है ना, और ये जितने भी चाहे तो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे क्या हो आपका क्या है, क्या है, एयर हो, बटर हो, चाहे क्या हो, टेम्परेचर हो, तीनों क्या है, फिजिकल फैक्टर है, क्या है, तीनों एक भौतिक कारक है, ठीक है। और जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये टुकड़ा किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉइल यानी कि मिट्टी में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और इस वेदरिंग प्रोसेस में जो भाग लेने वाले फैक्टर हैं वो सब कैसे हैं, क्या है, फिजिकल फैक्टर हैं, सब क्या है, भौतिक कारक है, हवा, पानी, धूप, क्या है, सब भौतिक कारक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फिजिकल वेदरिंग हम इस प्रोसेस को बोल देंगे, ठीक है। छोटी सी बात कर रहा था मैं, फिजिकल वेदरिंग है क्या, ठीक, इतनी बात। तो ऐसे ही क्या होता है, दरअसल इन चट्टानों की भी अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या हो जाता है, ये रॉक्स ऐसे ही पड़ी रहती है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और पड़े रहने के बाद इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका भी क्या हो जाता है, वेदरिंग हो जाता है, फिजिकल वेदरिंग हो जाता है। और फिजिकल वेदरिंग होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अवसाद में, किस में, सेडिमेंटी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यानी कि सेडिमेंटी चट्टानों का निर्माण क्या होता है, अवसादों से होता है, सेडिमेंटेशन से होता है, अवसादीकरण से होता है ना, या फिजिकल वेदरिंग से होता है। यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है, केमिकल एक्शन कम होती है, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपकी। देखो अभी इग्नियस रॉक से क्या बनी, पहले इग्नियस रॉक बनी, इस तरह से साइकिल चल रहा है, और फिर क्या बनी, सेडिमेंटरी रॉक्स बन गई। अब आगे की बात करते हैं, इसी साइकिल को जरा ध्यान देना कैसे चल रहा है आगे लास्ट तक, ये आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं इन रॉक्स की कुछ क्वालिटीज की, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इनकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली क्वालिटी, अगर आपसे प्रश्न है क्या ये जो चट्टाने होती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, तो जी बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि क्या होती है, तो सेडिमेंट से बनी है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन सी होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं। दूसरी क्वालिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या इन चट्टानों में लेयर्स पाई जाती हैं, देखिए इन चट्टानों को मिलने में भी क्या, बनने में क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। एक बार क्या हुआ, सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, कन्वर्ट हो गया, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से क्या बनती, इसमें लेयर्स बनती चली जाती हैं, यानी कि इन चट्टानों में क्या होती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। तीसरी अगर आपसे बात की जाए, क्या इन चट्टानों में फॉसिल पाया जाता है, देखिए बिल्कुल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इनमें जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, और अपनी मोटर गाड़ियों में जो हम पेट्रोल डीजल को जो हम यानी कि जिस फ्यूल को हम यूज करते हैं वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, वो भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन ही है, इसलिए इन चट्टानों में ही क्या होता है, जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए जीवाश्म ईंधन किन चट्टानों से मिलता है, या फॉसिल फ्यूल कहाँ से पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेडिमेंटरी रॉक से क्या होता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। और इस फैक्ट को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, किसके, सेडिमेंटरी रॉक्स के। तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं इसके एग्जांपल्स को, कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस तरफ मैं लिख लेता हूं इनऑर्गेनिक है ना, इस तरफ मैंने इनऑर्गेनिक लिख दिया, और इस तरफ मैं लिख लेता हूं ऑर्गेनिक है ना। तो इनऑर्गेनिक, इसको भी कितने सौ में डिवाइड किया मैंने, कार्बनिक और अकार्बनिक। चलिए जरा एग्जांपल देखें, देखिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यानी कि सेडिमेंटरी रॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिनमें कार्बन पाया जाए, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इनऑर्गेनिक में, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा लाइम स्टोन, किसकी, चूना पत्थर, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। और आपने दूसरे एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करूं, आप सभी ने सैंड स्टोन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बालू पत्थर या बलुआ पत्थर भी जिसको क्या कर देते हैं हम लोग बोल देते हैं। देखिए
इसको लाल बलुआ पत्थर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सैंड स्टोन को रेड सैंड स्टोन। आप लोगों ने लाल किला देखा होगा, आप लोगों ने कुतुब मीनार को देखा होगा, तो जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं सब क्या हैं, लाल रंग के पत्थर से बने हुए हैं। तो ये कौन सा पत्थर है? यही है सैंड स्टोन। तो जब भी अगर आप कभी भी भविष्य में इस तरह के जो जिनमें रेड स्टोन्स का यूज किया गया, जैसे हमारा क्या हो गया, सॉरी कुतुब मीनार हो गया, और क्या हो गया हमारा, लाल किला हो गया, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स आप जब भी देखें आप तुरंत बोलेंगे ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक से क्या हुआ, इनका फॉर्मेशन हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स के माध्यम से क्या होता है, इनका निर्माण हुआ है। और आप जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, ठीक है, ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इस तरफ हम लोग आते हैं, किस तरफ की बात करते हैं, ऑर्गेनिक के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमको मिलेगा देखिए कोयला। तो कोयला भी क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक्स है। आपसे एग्जाम में कोयला क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक्स है, ठीक है। कोयले के साथ साथ एक और रॉक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल सेल। क्या बोलते हैं? ऑयल सेल। देखिए ऑयल सेल आजकल तो क्या है, सॉलिड चट्टानों के, ठोस चट्टानों के बीच से भी क्या होता है, फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम को क्या है, बाहर निकाल लिया जाता है। और वो किससे निकलता है? इसी ऑयल सेल से निकलता है। तो ऑयल सेल हो गया भाई, कोयला हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए। देखिए तीसरी हम लोग बात करें किसकी भाई, मेटामॉर्फिक। किसकी बात करेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, कायांतरित जो अपने क्या कर ले, काया को चेंज कर ले, बॉडी को चेंज कर ले, रूपांतरित जो क्या कर ले, अपने क्या रूप परिवर्तित कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक या कायांतरित। तो कैसे, अब देखिए रूप परिवर्तित करने के लिए या लुक चेंज करने के लिए आप और हम लोग क्या है, पार्लर का यूज करते हैं, यानी कि आपके लिए पार्लर वो मीडिएटर हो गया, वो माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है, आपका लुक चेंज होता है। तो यहाँ भी तो लुक ही चेंज हो रहा है, नाम से स्पष्ट है, तो इनका भी कोई ना कोई मीडिएटर होता होगा। तो देखिए इनका मीडिएटर जो होता है, हमारा मीडिएटर हो गया भाई पार्लर, और इनके लिए मीडिएटर होगा टेम्परेचर और प्रेशर। जब तापमान और दाब दोनों के हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब तापमान और दाब दोनों के हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है जरा जानते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूं लाइम स्टोन। किसका? देखिए लाइम स्टोन का एग्जांपल मैं आपसे ले लेता हूं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने भाई, और आपको पता है लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है ना, आपको पता है लाइम स्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। देखिए जब लाइम स्टोन है, मान लीजिए पड़ा हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और लाइम स्टोन पे क्या हो जाए, ये प्रोसेस हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए और प्रेशर बढ़ जाए, तो ये जो लाइम स्टोन होगा, ये लाइम स्टोन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मार्बल को ही हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। तो मार्बल क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, किससे बनी, चूना पत्थर से बनी, और ये चूना पत्थर क्या है भाई, एक सेडिमेंटरी रॉक है। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं सैंड स्टोन। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, चलिए सैंड स्टोन की बात कर लेते हैं। देखें अभी मैंने आपको बताया है सैंड स्टोन क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक है, और मान लीजिए सैंड स्टोन पे भी क्या हो जाए, ये टेम्परेचर बढ़ जाए और प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ जाए तो यही सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट क्या हो गया, तो क्वार्ट्जाइट आपसे प्रश्न आ जाए, क्वार्ट्जाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किसका, कोयले का ही ले लेते हैं। तो अभी आप पढ़ चुके हो कोयला भी क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक है, और मान लीजिए भाई कोयले पे भी क्या हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए, तो कोयले का भी क्या होगा, रूप तो परिवर्तित होगा ही होगा, है ना, कोयले का भी क्या होगा, रूप परिवर्तित होगा, और ये कोयला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डायमंड या ग्रेफाइट। किसमें? डायमंड। देखिए कोयले का अगर 3D बन जाए तो डायमंड बन जाता है, और 2D बन जाए तो ग्रेफाइट बन जाता है, ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। तो डायमंड हो या ग्रेफाइट, तो सब क्या है, मेटामॉर्फिक। तो जिस कोहिनूर की भी हम लोग कई बार बात करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो कोहिनूर भी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है ना, क्योंकि तो गोलकुंडा की खान से हमको मिला था कौन सा, कोहिनूर, जो गोलकुंडा कोयले की खान थी। कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, और एग्जांपल में अगर सबसे पहले मैं लेना चाहूं तो हम लोग रखेंगे किसको, देखो ग्रेनाइट की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी ग्रेनाइट को हम लोग पढ़े, और आपको पता है जो ग्रेनाइट है ये कैसी रॉक है, एक
मैं आपको बता दिया हूं ये एक इग्नियस रॉक है, और मान लीजिए वही ग्रेनाइट का भी जाए टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाए तो ग्रेनाइट का भी होगा रूप परिवर्तित होगा, और यही जो ग्रेनाइट होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, नीस में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नीस क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। चले बेसाल्ट की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं भाई, बेसाल्ट की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, और बेसाल्ट पे भी क्या हो जाए टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाए तो बेसाल्ट का भी क्या होता है लुक चेंज हो जाता है, और यही बेसाल्ट चेंज हो जाता है किसमें, सिस्ट या एम्फीवोलाइट, किस में चेंज हो गया, सिस्ट या एम्फीवोलाइट। तो सिस्ट या एम्फीवोलाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रोग का एग्जाम्पल है। तो इतनी बातें अभी हम लोग जान लिए, तो देखें जरा ध्यान से बोर्ड पे, ग्रेनाइट वेसाइट इग्नियस रोक हो गई, लाइम स्टोन सैंड स्टोन कोयला ये क्या हो गई सेडिमेंटरी रॉक हो गई, और ये संगमरमर मार्बल क्वार्ट्ज डायमंड ग्नीस और सिस्ट ये सब क्या हो गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए इन सब में भी अगर बात करें सबसे पहले कौन सी रॉक्स का निर्माण हुआ होगा, सबसे पहले कौन सी बनी, इग्नियस रॉक्स बनी, सबसे पहले कौन सी बनी भाई, इग्नियस रॉक्स बनी, इसलिए इग्नियस रॉक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी सेडिमेंटी लिख दिया मैंने इसको, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक चट्टान बोल देंगे, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रॉक्स बोल देते हैं, और इसीलिए इसको टर्सियरी हम बोल देते हैं, तृतीयक चट्टान बोल देते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले कौन सी बनी, इग्नियस बनी, और इग्नियस बनने के बाद क्या बनी आपकी सेडिमेंट्री बनी, और फिर क्या बनी ये बनी, तो यानी कि अगर इग्नियस रॉक्स ना बनती तो दोनों रॉक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए मान ले कुछ देर के लिए आप देखें जरा, मान लीजिए भाई ये क्या है हमारा, मान लीजिए क्या है हमारी क्रस्ट है, क्या है ये क्रस्ट, तो जो क्रस्ट है ये क्या है हमारी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम बोला, ये क्या है हमारी क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या होती है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, पहले ही लेक्चर में, ये क्या है हमारी क्रस्ट है। देखिए जो क्रस्ट होती है इस क्रस्ट का जो 95% भाग है, कितना, क्रस्ट का लगभग 95% जो हिस्सा है ये हिस्सा बना हुआ है किससे, ग्रेनाइट से, किससे बनकर मिला हुआ है, ग्रेनाइट। तो प्रश्न आए क्रस्ट की क्रस्ट किससे मिलकर बनी है, यानी क्रस्ट का सबसे ज्यादा हिस्सा किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन लेकिन क्रस्ट के ऊपर की बात कर रहा हूं, ये तो क्रस्ट की बात कर ली, लेकिन अगर बात करें किसकी, क्रस्ट के ऊपर की, तो क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा, लेकिन क्रस्ट के ऊपर क्या, क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक्स पाई जाती है। आप याद रखें कौन सी रॉक्स मिलेगी आपको, सेडिमेंटरी रॉक्स, लगभग 75% कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंटरी। तो मैं बोलना चाह रहा था क्रस्ट मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी हुई है, अभी क्रस्ट से बनी है, और क्रस्ट के ऊपर मैक्सिमम कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स पाई जाती हैं। हम समझ चुके हैं कि पहले क्रस्ट बनी होगी, किससे बनी होगी, इग्नियस से बनी होगी, फिर इसके ऊपर कौन सी बनी, सेडिमेंटरी बनी होगी, ठीक है। बाकी कौन सी मिल जाती है आपको, ये वाली मिल जाती है और ये भी मिल जाती है, कौन सी, कुछ ग्रेनाइट भी मिल जाता है। तो ये जो टॉपिक आज का हमारा है भी, हम लोगों ने किसकी बात किए, हम लोग बात कर ले किसकी, रॉक्स की। मैं समझ रहा हूँ आपका SSJEE हो चाहे NTPC आप दें एग्जाम, ठीक है, जिस आप हमारा फोकस SSJEE और NTPC को लेकर ज़्यादा है, ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें SSC में भी आती हैं, आप उस बात को लेकर निश्चिंत रहें, यही सब SSC में पूछा जाता है। तो अब मैं समझ रहा हूं इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सभी टॉपिक्स आपको जितना भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा आप खुद सॉल्व करेंगे, आपको यहीं से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो चलें आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं जल्दी से इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं।
देखें अगला एक टॉपिक हम लोग ले ले रहे हैं, और यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वायुमंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, एक और टॉपिक लेंगे इस क्लास में, एटमॉस्फेयर। देखिए इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, पहले कुछ फैक्चुअल बात करेंगे और फिर हम लोग जो एटमॉस्फेयर है इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है आपको पता है काफ़ी सारी क्या है, गैसों का क्या है कंपोजिशन है, कई सारी गैसों से क्या है मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, है ना। तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जरा उन्हीं की बात कर लेते हैं। आगे फिर हम लोग एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर एटमॉस्फेयर की बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन। लगभग 78% कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन आपको इसके अंदर मिलेगी। फिर हमारी नेक्स्ट जो गैस होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। लगभग 21% कौन सी गैस मिलेगी आपको, O2 मिल जाएगी। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑर्गन। कौन सी, ऑर्गन। और ऑर्गन की मात्रा की अगर हम बात करें 0.93%, यानी कि लगभग 1% से भी कम क्या होती है, आपको ऑर्गन मिलेगी। इसके बाद जो प्रमुख गैस है इसको हम लोग बोलते हैं CO2, और CO2 की मात्रा की बात करें 0.038% क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के साथ साथ मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में भाई वाटर वेपर, क्या मिलता है, जलवाष्प मिलता है, और जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4%, कितनी होती है 0 से लेकर 4% होती है। साथ ही साथ हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पर हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस, कुछ क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी पाई जाती हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग केवल इतना जानेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब ये होता है वो गैसें जिनके माध्यम से क्या होता है, हमारी इस अर्थ का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हमारी इस अर्थ का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हीं गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जरा हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों में अगर मैं बात करूँ तो हमारी नंबर एक कौन सी हो गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हमको मिलेगी। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो होती है ओजोन। कौन सी ओजोन, सरफेस ओजोन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे धरातलीय ओजोन, तो ये वाली गैस मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और प्रमुख गैस है, वाटर वेपर भी होता है, कौन सा, जलवाष्प के साथ साथ हमको यहाँ पर मीथेन गैस भी मिलती है। तो आपसे प्रश्न है कि कौन एक प्रमुख प्रश्न आ जाता है कई बार, कौन इनमें से कौन है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो आप बता सकते हो कौन सी है, और कौन कौन सी गैस की परसेंटेज भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो अभी ये भी आप बता सकते हो। तो ये तो थोड़ी सी फैक्चुअल बात हो गई, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, उसकी संरचना कैसी है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चले थोड़ा सा हम लोग जरा देख लेते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। संरचना देखिए अब एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, अपनी अर्थ की सरफेस से हम नीचे ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी जो क्या होती है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसकी जो क्या है, कुछ चेंजेज होती है इसमें, क्या है, कुछ बदलाव आते चले जाते हैं। और उन्हीं बदलावों के आधार पर जो हमारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, सॉरी जो हमारे मौसम विज्ञानी होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या काम किया, उसी के आधार पर एक ये जो हमारा एटमॉस्फेयर इसको क्या किया कि इसको कई सारी लेयर्स में डिवाइड किया। कैसे किया, इसको कई सारी लेयर्स में डिवाइड किया है। अब कैसे कैसे डिवाइड किया है, कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, तो इसको इस टॉपिक को क्या करते हैं हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसा है हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। देखिए मान ले कुछ देर के लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, मान लीजिए भाई ये क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस है, मान लेते हैं क्या है हमारी अर्थ की, क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये क्या है हमारी अर्थ है, और इसी अर्थ से
क्या करना है हम लोगों को, ऊपर की ओर चलना है। ये हमारी अर्थ हो गई। और अब क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो देखिए इसको मैंने बोला कई सारे लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले एक लेयर से मैंने कुछ ऐसे करके ज्यूम कर ली है ना, अर्थ की सरफेस से। और ये जो लेयर है इसकी जो थिकनेस है वो कितने किलोमीटर मानेंगे हम लोग, 18। कितनी, देखिए जितनी भी बात मैं करूंगा किलोमीटर में ही करूंगा, क्योंकि यहां पर थिकनेस कम है, तो यहां पर मान लेते हैं 8 to 10। कितनी, 8 to 10 किलोमीटर। अब ये जो रीजन आपको दिखाई दिया 8 से लेकर 18 किलोमीटर वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन का हम लोग एक नाम रख लेते हैं, और इस रीजन को हम लोग, मैंने एक नाम दे रहा हूं मैं इसको, और इस क्षेत्र को मैं बोलूंगा ट्रोपोस्फियर। क्या बोला मैंने इसको, ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम लोग, क्षोभ मंडल बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई, क्षोभ मंडल। देखो देखो, सबसे पहली बात जो क्षोभ मंडल है, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है, इस ट्रोपोस्फियर की जो जो ये वाली मोटाई है, जो थिकनेस है, ये कहां पर है, पोल पर है, और ये कहां पर है, इक्वेटर पर है। क्योंकि तो आप जानते हैं इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है, और पोल्स पर हीट क्या होती है, कम होती है। तो इस हीट का ही चक्कर ये है, यानी कि पोल्स पर हीट कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो जो एटमोस्फेयर होता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इसलिए क्या होती है, थिकनेस यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो यहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है थोड़ा सा क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, 18 किलोमीटर मोटाई है इक्वेटर पर, और पोल पर कितनी होती है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक थिकनेस होती है। अब देखिए ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो ट्रोपोस्फीयर होगा, जब हम इस ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो देखिए ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, ट्रोपोस्फीयर की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो टेम्परेचर होता है लगातार क्या होता है भाई, घटता चला जाता है। क्या होता है, लगातार घटता चला जाता है ना। और घटने की जो रेट है, अगर इस ट्रोपोस्फीयर में आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो, टेम्परेचर कितना घट जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। और टेम्परेचर का यही जो घटना होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ह्रास दर। ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर जाने पर, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोल देते हैं। कहाँ पे होगा ये आपका, ट्रोपोस्फीयर। देखिए हिंदी वाले शब्द पर ध्यान दिए, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है भाई, देखो क्षोभ मंडल शब्द मैंने लिखा है। देखिए क्षोभ को हिंदी में कई बार गुस्सा भी बोल देते हैं, है ना, तो गुस्सा करना। तो ऐसे ही ये जो क्षेत्र होता है, देखिए हमारे जितनी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती, जितने भी इंसिडेंट होते हैं जो आजकल हो रहे हैं, वो सब कहाँ पे घटते हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर। जैसे देखो ट्रोपोस्फीयर में ही क्या दिखाई देंगे आपको, क्लाउड। क्या दिखाई देंगे, क्लाउड, बादल दिखाई देंगे। और जहां पर बादल होते हैं वहीं पे क्या होती है बच्चे, रेनफॉल होती है। क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल हम भी कर लेते हैं भाई, है ना। तो देखिए बादलों का बनना, क्लाउड्स का बनना, रेनफॉल वर्षा होना, तेज हवाओं का चलना, तूफान आना, ओला गिरना, ये सारी प्रोसेस कहाँ होते हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर में। यानी कि जहां पे बादल बनेंगे वहां पर क्या होगी भाई, बिजली भी क्या है, लाइटनिंग का प्रोसेस भी होगा। क्या होगा, बिजली भी कड़कती हुई दिखाई देगी, यानी कि वहां पर क्या होगी, लाइटनिंग होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ऑल क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स कहाँ पे, यानी कि समस्त मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर में घटती हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर, मैं समझ रहा हूँ, आप आसानी से दे सकते हो ट्रोपोस्फीयर को लेकर के। अब ट्रोपोस्फीयर के बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे की बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगली लेयर में हम लोग चलते हैं। मैं एक लेयर और ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये जो लेयर है ये कितनी किलोमीटर मोटाई तक है भाई, ये 50 किलो, कितनी तक है, 50 किलोमीटर तक इस लेयर है। और इस लेयर को हम लोग अगर बात करें तो ट्रोपोस्फीयर के बाद जो हमको लेयर मिलेगी, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलेंगे, इसका नाम रख लेते हैं वही स्ट्रेटोस्फीयर, मैंने इसको बोल दिया। और स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग हिंदी में बोल देंगे समताप
मंडल, क्या बोलेंगे? समताप मंडल। देखिए जिसका समान है ताप, है ना। अब देखो इस स्टेटोस्फीयर को समझने के लिए काम करते हैं, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर ले रहा हूं स्टेटोस्फीयर को। मैंने ऐसे मान लीजिए, मैंने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिया इसको, और मैंने यहां तक बात कर ली लगभग कितने किलोमीटर तक, 30। यानी कि ये हो गया अपर स्टेटोस्फीयर और ये क्या हो गया आपका लोअर स्टेटोस्फीयर। क्या हो गया? ये अपर हो गया और ये क्या हो गया? लोअर हो गया। देखिए जो अपर स्टेटोस्फीयर होगा, इसी अपर स्टेटोस्फीयर में आपको मिलेगी क्या? आप लोगों ने सभी ने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? ओजोन लेयर का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो ओजोन लेयर कहां पाई जाती है भाई? अपर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। और इस स्ट्रेटोस्फीयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो देखिए यहां तक आते हो टेम्परेचर क्या होता है? लगभग कॉन्स्टेंट हो जाता है, इससे ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन यहां से अगर ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? लगातार क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। देखिए रीजन क्या है यहाँ इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ओजोन का काम क्या है? सूरज से आने वाली यूवी रेस को रोकना। और जितनी भी यूवी रेस होती है कहाँ टकराती हैं? आकर के इस ओजोन से टकराती हैं, इस कारण क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए अब ये जो ट्रोपोस्फीयर है, ये जो ट्रोपोस्फीयर में काफी डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। क्यों डिस्टरबेंस? क्या भाई? देखो क्लाउड से सारी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे घट रही है। और आप तो कई बार इंग्लिश में पढ़ते हो कि हवाई जहाज बादलों के परे उड़ रहा था, और इसके लिए हम क्या करते हैं? एवव यूज करते हैं, एवव द क्लाउड यूज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर उड़ रहा है तो देखिए ये जो एरिया है काफी शांत दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया होगा कौन सा वाला? ये वाला रीजन, ये वो रीजन होगा जहां पर क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? एरोप्लेन्स को उड़ा सकते हैं। यानी कि ये जो रीजन होता है, मैं एक एरोप्लेन ही बना देता हूं, ये मान लीजिए एरोप्लेन है, है ना। तो यानी कि एयर ट्रैफिक, वायु यातायात के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा होगा? यही माना जाता है कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखो इस स्ट्रेटोस्फीयर की भी अगर हम बात करूं, कई बार आप लोग देखते हो हमारे यहां पे भी राफेल आया है, तो जो राफेल है वो क्या है? वो कहां पे उड़ेगा? हम राफेल की भी बात कर लेते हैं। देखिए राफेल जो होगा वो कहां पे दिखाई देगा आपको? वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही दिखाई देगा। लेकिन कहां पे दिखाई देगा? इस वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, ऊपर वाले क्षेत्र में। कहां पे दिखाई देगा? यहां पे दिखाई देगा, है ना। तो देखिए ये जो प्लेन मैंने आपको ड्रॉ किया है ऊपर, ये प्लेन क्या है? एक फाइटर प्लेन है, है ना। और ये क्या है? एक कमर्शियल प्लेन है। ये क्या है? एक कमर्शियल प्लेन। ये एक स्पाई प्लेन है और ये क्या है? एक कमर्शियल प्लेन है। इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। तो जितने भी स्पाई यानी फाइटर प्लेन होते, चाहे तो राफेल हो, चाहे इससे पहले हमारा क्या है मिग 21 रहा हो, वो सब कहाँ पर उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में, ऊपर वाले क्षेत्र में उड़ते हैं। और जो नॉर्मल होते हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो प्रश्न आए एयर ट्रैफिक के लिए कौन सा जो मंडल होगा, कौन सा जो स्फीयर सबसे उत्तम होगा, तो कौन सा होगा भी? हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन कहाँ मिलेगी आपको? स्ट्रेटोस्फीयर में। कई बार क्या होता है, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं वो मौसम का हालचाल जानने के लिए क्या करते हैं? कुछ बैलून्स को क्या करते देते हैं? हमारे एटमोसफियर में छोड़ देते हैं, ताकि क्या मौसम के हालचाल को जाना जा सके। तो वो जो छोड़ते हैं, वो जो बैलून्स होते हैं, उन बैलून्स को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग, वेदर बैलून्स, मौसमी गुब्बारे। और ये जो मौसमी गुब्बारे कहाँ छोड़े जाते हैं भाई? इसी स्ट्रेटोस्फीयर में इनको छोड़ा जाता है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा जाता है। तो देखिए इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी अभी तक। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में और ऊपर क्यों चलते हैं, और मैं क्या कर ले रहा हूं जल्दी से, एक और लेयर में क्या कर ले रहा हूं? ड्रॉ कर ले रहा हूं। और इसकी थिकनेस हम कितनी मानते हैं? 80 किलोमीटर तक। और इस वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे भाई इसको? मीजोस्फीयर। और इसी मीजोस्फीयर को हिंदी में हम लोग क्या बोल देंगे? मध्यमंडल। क्या बोलेंगे इसको? मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। देखें जरा ध्यान से, मीजोस्फीयर में अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाता है, और इतना कम हो जाता है भाई, इस मीजोस्फीयर की जो बाउंड्री है, इसकी सीमा है, इस बाउंड्री में आते आते ये टेम्परेचर माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कितना? माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगाओ हमारी इस अर्थ की भी अगर हम लोग बात करें, हमारी इस अर्थ पर जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा वो भी कहाँ मिलता है? रशिया में एक जगह है बर्खोया, साइबेरिया क्षेत्र में, वहाँ का टेम्परेचर भी क्या माइनस 55 तक ही पहुँच पाता, 55 टू 60 तक ही रिकॉर्ड किया गया है। और ये तो क्या है, उससे भी ज़्यादा है, है ना। जो बर्खोयान से उसको पृथ्वी का कोल्ड पोल बोलते हैं, अर्थ का शीत ध्रुव उसको हम लोग बोलते हैं, और ये तो क्या है, उस कोल्ड पोल से भी क्या है, कम टेम्परेचर है। तो यानी कि हमारी इस पूरी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्फीयर एग्जाम में पूछ लें तो वो कौन सा हो गया भाई? वो स्फीयर कौन सा हो जाता है? मीजोस्फीयर। क्या हो जाता है? मीजोस्फीयर। एग्जाम में ऐसा प्रश्न कई बार आता है, देखिए रात को कई बार आप लोगों ने टूटता हुआ तारा आप लोगों ने दिखाई देखा होगा, तो जो टूटता हुआ तारा आप लोगों ने देखा, वो टूटता हुआ तारा भी कहाँ पे दिखाई दिया होगा आपको? इसी मीजोस्फीयर में दिखाई दिया होगा।
ये जो टूटता हुआ तारा है इसी की बात कर ले रहे हैं। इसको हम लोग दरअसल मीट इसको बोलते हैं उल्कापिंड मीट्योराइट। कई बार क्या होता है हमारी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर के बाहर क्या होते हैं बहुत सारे चट्टानी टुकड़े क्या है घूमते रहते हैं, और हमें पता है हमारी अर्थ में क्या जी फोर्स गुरुत्वाकर्षण वाला पाया जाता है। तो जब ये कई बार चट्टानी टुकड़े हमारी अर्थ की पास से क्या होते हैं गुजरते हैं तो हमारी अर्थ में जी अपने क्या है जी फोर्स के कारण इनको अपनी ओर कर लेती है अट्रैक्ट कर लेती है। और यही टुकड़े क्या होते हैं हमारी जब अर्थ के एटमोसफेयर में एंट्री करते हैं तो हमारी अर्थ का एटमोसफेयर और इनके बीच क्या होता है एक फ्रिक्शन पैदा होता है घर्षण पैदा होता है जिससे क्या होती है में आग लग जाती है। और जब ये हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं तो क्या टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। कई बार ये टूटते हुए टुकड़े जो टुकड़े हैं ये जलकर क्या होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में राख हो जाते हैं। अगर कई बार क्या होता है इनका अगर साइज बड़ा होता है तो साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है ये पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं और कई बार क्या होता है हमारी अर्थ से आकर टकरा जाते हैं। तो देखिए आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा ही एक मीटियोराइट हमारी अर्थ से आकर टकराया था महाराष्ट्र वाले रीजन में, और उस टकराने से क्या हुआ उस पृथ्वी में क्या हुआ गड्ढा बना और उसी गड्ढे में बाद में पानी भर गया जिसको आज हम लोग क्या महाराष्ट्र की क्या है लोनार लेक के नाम से जानते हैं। जो लोनार लेक क्या है क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। तो क्रेटर लेक जो होती है वो इस तरह से ही बन जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं वोल्केनो में क्या होती है क्रेटर लेक दुनिया की सबसे बड़ी क्या क्रेटर लेक हम लोगों ने लेक टोबा को हम लोग डिस्कस किया इंडोनेशिया में। तो वोल्केनिक माउंटेन्स में भी क्या होती है क्रेटर लेक बनती है और हमारी अर्थ से कोई मीटियोराइट टकराने से जो गड्ढा बनता है उसमें पानी भरने के बाद क्या होती है वो भी क्या बन जाती है एक लेक बन जाती है उसको भी क्या बोलते हैं क्रेटर लेक बोलते हैं। तो इंडिया की जो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो क्या है क्रेटर लेक एग्जाम्पल है ऐसे ही बनी होगी। देखिए अब दूसरी बात ध्यान दें जो उल्कापिंड है ये उल्कापिंड क्या है कहाँ पे दिखाई दिया आपको मध्यमंडल में दिखाई दिया मीजोस्फीयर में। लेकिन मीजोस्फीयर में तो आया तो कहीं बाहर से है किससे आया कहीं दूसरे लेयर से आया है चलो जानते हैं कहाँ से आया है। इसके ऊपर चलते हैं एक और लेयर ड्रॉ कर लेते हैं और ये लेयर है कितने किलोमीटर तक 640 किलोमीटर पर। ठीक है 640 किलोमीटर तक इस वाली अगर लेयर की अगर हम लोग बात करें तो इस वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे इसको बोल देते हैं आइनोस्फीयर। क्या बोल देते हैं अभी इसको आयनोस्फीयर या आयनमंडल। क्या बोलेंगे इसको आयनमंडल। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं अंकल के नजदीक जा रहे हैं और इस आयनोस्फीयर में अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है लगातार बढ़ता चला जाता है। ये वही आयनोस्फीयर है अगर ये आयनोस्फीयर ना होता तो इस समय जिस वीडियो को आप लोग जिस लेक्चर को आप देख रहे हो आप सर इसको ना देख पाते क्योंकि इसी आयनोस्फीयर में क्या होता है रेडियो वेव्स पाई जाती हैं जिनको स्टेशन जब छोड़ा जाता है तो वो रेडियो वेव्स इसी आयनोस्फीयर में पहुंचती हैं यहाँ से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। और जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो चाहे आप अपने स्मार्टफोन का यूज करो चाहे अपने टैब का यूज करो चाहे आप क्या अपने पीसी का यूज कर रहे हो चाहे लैपटॉप का यूज कर रहे हो यानी कि जिस डिवाइस में भी इस वीडियो को इस लेक्चर को आप देख रहे हो उस डिवाइस का जो रिसीवर होता है वो क्या करता है इन रेडियो वेव्स को क्या लेता है रिसीव कर लेता है और हम लोग क्या कर पाते हैं देख पाते हैं सुन पाते हैं। ठीक है जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं यहीं पर पाई जाती हैं। देखिए रेडियो वेव्स यहीं पे आती हैं और यहीं से क्या होती हैं वापस लौट आती हैं रिफ्लेक्ट होकर। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक स्पेस मिशन भेजने की हमारी तैयारी चल रही है मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जिस मानव मिशन को हम लोग भेज रहे हैं देखिए जो स्पेस जिस स्पेस में हम मानव मिशन भेजेंगे वो क्या होगा वो इसी क्षेत्र में भेजा जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को बोल देते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। तो जितने भी ह्यूमन स्पेस में जाते हैं वो सब कहाँ पर जाते हैं इसी क्षेत्र में जाते हैं। चलिए हम भी क्या कर लेते हैं एक बना लेते हैं क्या ये क्या है आपका हमारा क्या है भाई ये है स्पेस शटल। क्या है देखिए रॉकेट नहीं है ये स्पेस शटल है। क्या है ये स्पेस शटल। तो जितने भी स्पेस शटल होते हैं सब जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं कहाँ जाते हैं इसी रीजन में जाते हैं। ठीक है इतनी हम लोगों ने बात कर ली और इसके बाद जो रीजन बच जाता है इसके बाद जो रीजन बच जाता है ठीक है 640 के बाद इसको हम लोग बोल देते हैं एग्जोस्फियर बाहरी मंडल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एग्जोस्फियर बोलेंगे। ठीक है और एग्जोस्फियर में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर चलते रहेंगे लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है और एग्जोस्फीयर की बात करें तो दो बातें आप याद रखें इस एग्जोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम कौन सी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा क्या होती है सबसे ज्यादा होती है एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए जितने भी
सैटेलाइट होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जैसे आप लोगों ने मंगलयान का नाम सुना होगा, है ना। एक हमारा चंद्रयान था, फेल हो गया चंद्रयान हमारा, इसरो को लॉन्च करता है। तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ये सभी सैटेलाइट कहाँ पे छोड़े जाते हैं, इसी एग्जोस्फीयर में। मान लीजिए भाई ये क्या है हमारा, वही चंद्रयान था विक्रम, ठीक है। और तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको, इसी एग्जोस्फीयर में ही छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, इसी एग्जोस्फीयर में छोड़े जाते हैं, ठीक। अब देखिए दो बातें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में यहां से आपको डायरेक्ट सीधा प्रश्न मिल जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन सारे स्फीयर को क्या करिए, नीचे से ऊपर लगाइए या, ठीक है। तो आपका ट्रोपोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एग्जोस्फीयर आपको पता होना चाहिए, ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे आप लोग, लगा से चले जाएंगे, ऐसे एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, ठीक। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रोपोस्फीयर में होता है। प्रश्न कई बार आता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आप उत्तर कर दोगे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एयर ट्रैफिक कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। प्रश्न आता है मीटियोराइट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मीजोस्फीयर। देखिए मीटियोराइट एंट्री कहाँ से करता है, देखो स्पेस से एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि आयनोस्फीयर से एंट्री करता है। आपसे प्रश्न आ जाता है कई बार कि कौन सा स्पेस सबसे ठंडा होता है, कहाँ पर तापमान सबसे कम होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है भाई, मेजोस्फीयर। आपसे प्रश्न आ जाता है कई बार कि बताएं रेडियो वेव्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आइनोस्फीयर। प्रश्न आता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ मिलते हैं, तो हम क्या बोल देंगे भाई, एक्सोस्फीयर। और प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि हाँ एक्सोस्फीयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। वो देखिए आपको सूर्य का नाम सुना है, सूर्य भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर भी, है ना, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब ये तो हम लोग किसी बात कर लिए, एटमोस्फियर की हम लोग बात कर लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जो भी जेई टारगेट है उसमें इसी से आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हमारा इतने से ही काम चल जाने वाला है। देखो कई बार आप लोगों ने क्या करता है, एक रीजन मिलता है आपको थर्मोस्फियर, आप पढ़ोगे तापमंडल। तो आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर इन दोनों को ही मिला के इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर, यानी कि तापमंडल भी बोल देते हैं। इन दोनों को ही कई बार कहीं आप पढ़ो परेशान हो जाओ, इन्हीं को क्या बोल देते हैं भाई, थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां का ताप टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में, एटमोस्फेयर के बारे में। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो देखिए आप दो टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, किसको डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ आज, रॉक्स को डिस्कस कर लूँ। मैं समझ रहा हूँ वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और मैं डिस्कस करूँगा जगह हूँ कि इसको किया भाई हम लोगों ने, एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सा अपना काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको क्या करेंगे भाई, आप लोग शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो ये तीन काम आप करते रहिए, बाकी काम हम लोग मेहनत कर बाकी काम क्या करेंगे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब ठीक है, तब तक के लिए क्या है, गुड लक।